Story name is Punishment or Love, and this story is begin from chapter 117. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं. प्लीज मुझे उस रूम में मत ले जाओ, मैं दोबारा कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे वहां मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो. तापसी समय के आगे काफी रो रही थी. समय बिना कुछ बोले उसे उस कमरे ले जाके उसे वहां छोड़ बिना कुछ बोले रूम लोक कर वापिस अपने रूम में आ गया. इस बीच तापसी काफी चिल्लाई काफी रोई, लेकिन समय ने एक बार भी पीछे मुड़ के उसे नहीं देखा. समय रूम वापिस आके क्लोजेट में जाके अपने नीचे ट्राउजर पहन वापिस आके बिस्तर पर लेट गया. उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, उसकी अपर बॉडी नेक थी. आस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था. वो लेटे हुए स्लीप को देखते हुए अजीब सी सिटी बजाने लगा. उस सिटी की धुन काफी अजीब और डरावनी थी. पूरे कमरे में उसकी सिटी की आवाज गूंज रही थी. समय सिटी बजाने के साथ अजीब सी धुन गा रहा था. उस धुन को गाते हुए उसके चेहरे पर शयानी मुस्कुराहट आ गई. दूसरी ओर जानवी ने रूम का सारा सामान तोड़ दिया था. उस रूम में इस वक्त जानवी के अलावा सिर्फ राहुल था जो जानवी को तोड़फोड़ करते देख रहा था. उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे. उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोकद में हो. वो बिना पलके झपकाए जानवी को तोड़फोड़ करते देख रहा था. जानवी ने लगभग कमरे का सारा सामान तोड़ दिया था. टीवी से लेके हर चीज उसने तोड़ दी थी. इसमें उसे भी काफी चोटें आई थी. उसके हाथ पैरों से खून निकल रहा था जिसका उसे कोई होश नहीं था. राहुल खामोशी से ये सब देख रहा था. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे. उसके कानों में समय के बोले हुए शब्द गूंज रहे थे जो समय ने जाते हुए कहे थे, संभालो अपनी अमानत. राहुल के कान में यही बात गूंज रही थी. दूसरी ओर हॉस्पिटल में व्योम की कंडीशन अभी भी तक कोई सुधा नहीं हुआ. डॉक्टर ने हर तरीका यूज कर देख लिया, लेकिन व्योम ने किसी पर रिस्पॉन्स नहीं किया. उसकी कंडीशन में अभी भी वैसे ही थी. अविरन अपने छोटे भाई की हालत देख काफी परेशान था. अविरन व्योम ने काफी कोशिश की उसे बात करने की, उसे होश में लाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. व्योम ने एक बार पलके तक नहीं हिलाए, ना ही उनकी किसी भी बात पर कोई रिएक्ट किया. अविरन व्योम व्योम के दोनों साइड बैठे हुए थे. व्योम बेड पर आंखें झुका के लेटा हुआ था. उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी. अविरन व्योम ने उसके हाथ पके हुए थे. व्योम की आंखें ज्यादा रोने से लाल हो चुकी थी. अविरन की आंखें भी लाल थी. दोनों ही अपने छोटे भाई के लिए परेशान थे. अविरन को काफी घबराहट बेचैनी हो रही थी. व्योम व्योम को देखते हुए अविरन से बोला, भाई व्योम को सिर्फ वही होश में ला सकती है. अविरन ये सुनकर व्योम के हाथ पर चुमके बोला, कौन? व्योम ने व्योम का चेहरा देखते हुए एक नाम लिया, बेबी गर्ल. अविरन ने जैसे ही तापसी का जिक्र सुना उसके हाथ की मुठिया बन गई. उसने बिना व्योम की ओर देखे तुरंत मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वो लड़की यहाँ नहीं आएगी. उसका साया भी तुम दोनों पर नहीं पड़ेगा. मेरे व्योम की इस हालत की जिम्मेदार वही लड़की है. उसके कारण मेरे दोनों भाई की जान खतरे में पड़ी. उसके कारण तुम दोनों ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की. उसके कारण व्योम को सदमा लगा. सब गलती उसकी है. मैं उस लड़की को तुम दोनों के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा. भूल जाओ उसे और उसके नाम को. आज के बाद उसका जिक्र भी तुम्हारे नाम से नहीं निकलना चाहिए. व्योम अपने भाई के मुंह से तापसी के लिए ये सब सुन सोकद हो गया. उसकी आंखें हैरानी भरी हो गई. व्योम हैरानी से अविरन की ओर देख बोला, इक्वल्स भाई आप ये क्या बोल रहे हो? इस सब में उस मासूम की क्या गलती? आप क्यों बेबी गर्ल को जस्ट सूट अप? व्योम एक और बार उसका नाम तेरी जुबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. अविरन ने उसकी बात बीच में काट के गुस्से में बोला. उसने गुस्से में आगे कहा, उस लड़की के कारण पहले तुम्हारी जान खतरे में पड़ी. मेरे व्योम की ये हालत हुई और तुम उस लड़की को यहाँ बुलाने की बात कर रहे हो. जीनसे पर अविरन को भी गुस्सा आ गया. उसने गुस्से में अविरन को देख बोला, भाई आप उसे गलत बोल रहे हो. उसके कारण हमारी जान नहीं, हमारे कारण उसकी जान खतरे में पड़ी थी. वो हम थे जो उसे चोप में ले गए. वो हम थे
जिसने आप पर आवाज उठाई वो हम थे, जिसने आप पर गुस्सा किया उसमें उसकी क्या गलती, उसे तो किसी पर गुस्सा करना भी नहीं आता, वो हमें क्या आपसे दूर करेगी, आपने तो खुद देखा था वो छोटे बच्चे की तरह है, जरा सा आप गुस्सा करते हो वो रो पड़ती है, यहाँ तक उसने तो हमें समझाया था जब हम गुस्से में उसे लेके चौप में गए थे, उसने कहा था हमने आपको वो सब बोल, बहुत बड़ी गलती की है, हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, एक बड़े भाई की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल होता है, अपने छोटे भाई की जरूरतों के सामने खुद की जरूरतें भूलना पड़ता है, आपके बड़े भाई खुद की खुशी खुद की जरूरतें भूल आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं, हमें किसी चीज की कमी ना हो इस लिए दिन रात काम करते हैं, हम अपने बड़े भाई से इसलिए गुस्सा करते क्योंकि वो हमें टाइम नहीं देते, लेकिन कभी हमने सोचा है वो हमें टाइम क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि वो दिन रात ऑफिस में काम करते हैं ताकि हमारी हर जरूरत विश ख्वाहिश पूरी कर सके। अव्योम ये सब बोलते बोलते रो पड़ा, अविरन उसकी बातें सुन चुप हो गया। अब उस रूम में ऐसा तो क्या है जिसमें ना जाने के लिए तापसी इतना रो रही थी चिल्ला रही थी, वो तो कल ही पता चलेगा, और समय ने राहुल को ऐसा क्यों कहा वो भी कल पता चलेगा, यहाँ तक उसने तो हमें समझाया था जब हम गुस्से में उसे लेके चौप में गए थे, उसने कहा था हमने आपको वो सब बोल, बहुत बड़ी गलती की है, हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, एक बड़े भाई की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल होता है, अपने छोटे भाई की जरूरतों के सामने खुद की जरूरतें भूलना पड़ता है, आपके बड़े भाई खुद की खुशी खुद की जरूरतें भूल आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं, हमें किसी चीज की कमी ना हो इस लिए दिन रात काम करते हैं, हम अपने बड़े भाई से इसलिए गुस्सा करते क्योंकि वो हमें टाइम नहीं देते, लेकिन कभी हमने सोचा है वो हमें टाइम क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि वो दिन रात ऑफिस में काम करते हैं ताकि हमारी हर जरूरत विश ख्वाहिश पूरी कर सके। अव्योम ये सब बोलते बोलते रो पड़ा, अविरन उसकी बातें सुन चुप हो गया। अव्योम ने आगे कहा भाई आप हमसे कितना प्यार करते हो, वो उस लड़की ने हमें एहसास दिलाया, उसने हमें बताई कि आप गलत नहीं हो, भाई प्लीज आप बेबी गर्ल को गलत मत समझो, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अविरन अव्योम की बात सुन खामोश हो गया, उसकी नजरें व्योम पर चली गई। अव्योम व्योम के साथ को पकड़ के कहा भाई अगर आप चाहते हो आपके दोनों भाई आपके पास वापिस लौट आए तो बेबी गर्ल को यहाँ लेके आओ, अगर व्योम को कुछ भी हुआ तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा, क्योंकि इस सब का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हूँ मैं, ये सब जो भी हुआ वो सब मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण हम तीनों की जान खतरे में पड़ी, मेरे कारण बेबी गर्ल मरते मरते बची, मेरे कारण व्योम यहाँ है, मैं अगर इनको वहां नहीं ले जाता तो ये सब नहीं होता, सब ठीक होता, अव्योम बोलते बोलते रो पड़ा। अविरन ये सब सुन बिल्कुल स्पीचलेस था, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वोट का दरवाजा खुला, डॉक्टर मेहता और उनकी टीम अंदर आई, डॉक्टर मेहता ने व्योम को फिर से चेक किया, एक बार फिर उस पर वही सब ट्राई किया, लेकिन इस बार रिजल्ट वही आया, व्योम ने कोई रिस्पोंड नहीं किया। डॉक्टर मेहता अविरन को देख बोले देखिए मिस्टर ओबेरॉय रात से सुबह हो गई, अभी तक इनमें कोई रिस्पोंड नहीं दिखा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, कुछ भी कर इनको सदमे से बाहर लाए, जब तक ये सदमे से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारी कोई भी दवाई इन पर असर नहीं करेगी। डॉक्टर मेहता इतना कहने के बाद अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। अव्योम डॉक्टर की बात सुन अविरन के पास आके उसके हाथ को पकड़ के परेशानी भरी आवाज में बोला भाई प्लीज व्योम को बचा लो, प्लीज भाई वी को बचा लो, प्लीज उसे मरने मत दो, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज भाई हमारे वी को बचा लो, प्लीज बेबी गर्ल को लेके आओ, प्लीज बेबी गर्ल को लेके आओ, वही हमारे व्योम को ठीक कर सकती है, वही हमारे वी को बचा सकती है। अव्योम इतना बोल अविरन के गले से लग रो पड़ा, अपने भाई के रोने से अविरन अंदर तक हिल गया, उसे वो सब याद आने लगा जो सुने चौप में चौप के बाहर बोला था, उसे हर वो बात याद आने लगी जो उसने तापसी को बोली थी, अविरन की आंखों के सामने वही बातें रोल होने लगी, वो मन ही मन खुद में मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे इतना
कुछ कैसे कहा, अब वो मेरी बात सुनेगी, वो मेरे भाई को ठीक करेगी, अब मैं क्या करूं। अविरन खुद में ये सब बोले जा रहा था। उसने व्योम को खुद से अलग कर कहा, तो तुम व्योम के साथ रुको, मैं अभी आता हूँ। अविरन इतना बोल बिना व्योम को देखे, बिना व्योम की सुने वहां से निकल गया। मल्होत्रा मेंसन, एक औरत आंखों में आंसू लेके एक तस्वीर को सीने से लगा के रो रही थी। कमरे में एक आदमी आते हुए बोला, किसके लिए रो रही हो, जो तुम्हें माँ तक नहीं मानता उस लड़के के लिए रो रही हो। औरत अपनी भीगी आंखों से तस्वीर पर हाथ फिरा के बोली, वो मुझे माँ माने चाहे ना माने, लेकिन ये सच कभी नहीं बदल सकता कि मैंने उसे जन्म दिया है, वो मेरा बेटा है। आदमी उसकी बात पर फिकी सी स्माइल कर बोला, वो हमें कभी माँ बाप नहीं मानेगा, उसके लिए हम हमेशा उसके दुश्मन रहेंगे, और उसमें सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। वो तुम्हें माँ कह के बुलाता भी है, लेकिन आज तक उसने मुझे डैड नहीं कहा, उसमें गलती भी आपकी ही, आपने उसे कभी बेटा बनने नहीं दिया, हमेशा अपनी लालच के लिए उसका इस्तेमाल करते रहे, औरत ने आंसू पोंछ के कहा। औरत खड़ी होके बोली, आपने मेरे बेटे को अपनी कामयाबी का मोहरा बना दिया था, उसे वो सब करवाया जो आपके बिजनेस के लिए सही था, लेकिन जब उसने आपके नाक के नीचे अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया, उसे टॉप पर पहुंचाया, तो तुम्हें उसे नफरत हो गई। आपके दूसरे बेटे ने जो लड़की पसंद की थी वो उसे पसंद आ गई, तो उसमें मेरे बेटे की क्या गलती, जो तुमने मेरे बेटे को बिजनेस वसीयत से बेदखल कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमने उसका हक उसे छीन लिया, लेकिन क्या फायदा हुआ, उसके जाने के बाद आपका बिजनेस नाम पावर सब कम होने लगा, जो लोग पहले आपके आगे सर उठाने से भी देते थे आज वही आपके आगे सर उठा के चलते हैं। आदमी उसकी बातें सुन गुस्से में चिल्ला के बोला, जानवी चिल्लाए मत राजवीर, मल्होत्रा चिल्लाए मत, जानवी ने भी ऊंची आवाज में कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है, अभी भी वक्त है, मेरे बेटे से माफी मांग लीजिए, वरना आपका बचा हुआ बिजनेस भी डूब जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। जानवी इतना बोल कमरे से निकल गई। जानवी की बातें सुन राजवीर गुस्से में कमरे का सामान यहाँ से वहां फेंकने लगा। उसने सामान फेंक के चिल्लाया, समय आदमी उसकी बातें सुन गुस्से में चिल्ला के बोला, जानवी चिल्लाए मत राजवीर, मल्होत्रा चिल्लाए मत, जानवी ने भी ऊंची आवाज में कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है, अभी भी वक्त है, मेरे बेटे से माफी मांग लीजिए, वरना आपका बचा हुआ बिजनेस भी डूब जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। जानवी इतना बोल कमरे से निकल गई। जानवी की बातें सुन राजवीर गुस्से में कमरे का सामान यहाँ से वहां फेंकने लगा। उसने सामान फेंक के चिल्लाया, समय राजवीर इस वक्त काफी गुस्से में था। उसकी आंखों में समय के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका बस चलता तो वो कब का समय को जान से मार चुका होता। राजवीर ने लगभग कमरे का सारा सामान तोड़ दिया था। जानवी गुस्से में होल आके सारे नौकरों को आवाज लगा के बोली, कहा मर गए सबके सब, सारे काम चोर भरे हुए हैं। यहाँ दो मिनट में मेरे सामने आओ। सोफे पर बैठा सिद्धार्थ अपनी माँ को इस तरह चिल्लाते देख खड़ा होके उसके पास आके बोला, मोम क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हो, आपका बीपी बढ़ जाएगा, मोम आप शांत हो जाए और मुझे बताए क्या हुआ, किसी ने कुछ किया है, आप उसका नाम बताए, मैं उसे अभी नौकरी से निकाल दूंगा। सिद्धार्थ के साथ मयंक भी वहां आके बोला, क्या हुआ आंटी, आप इस तरह गुस्से में क्यों हो। जानवी के चिल्लाने से सारे सर्वेंट हॉल में आ गए। जानवी सिद्धार्थ को इग्नोर कर उन सबको देख बोली, आज डिनर में क्या बन रहा है। उन सर्वेंट में से एक ने आगे आके कहा, बड़ी मालकिन आज डिनर में बड़े साहब के लिए राजमा चावल, छोटे सर और उनके दोस्त के लिए पनीर मखनी और पुलाव बन रहा है। जानवी मेन्यू सुन गुस्से में चिल्ला के बोली, किसे पूछे कि ये सब बन रहा है, मैंने तुम सबको ये बनाने को नहीं कहा, तुम सबको कितनी बार कहा है डिनर बनाने से पहले मुझसे पूछ लिया करो, बिना मुझसे पूछे तुम सब अपनी मर्जी कैसे चला सकते हो। सारे सर्वेंट जानवी की बात सुन सर झुका लिया। जानवी गुस्से में बोली, आज का मेन्यू बदल दो, आज डिनर में आलू मटर की सब्जी, दाल चावल, खीर सैलड और रोटी बनेगी,
तुम होती कौन हो? खाने का मेन्यू बदलने वाली राजवीर ने पीछे से सीढ़ियां उतरते हुए कहा। जानवी ये सुन पीछे पलट के बोली, इस घर की मालकिन हूँ। राजवीर उसके सामने खड़ा होके सर्वेंट को देख बोला, आज वही बनेगा जो मुझे और मेरे बेटे को खाना है, और आज ही नहीं हर रोज वही बनेगा जो हमें खाना है। आज मैंने जो कहा वही बनेगा, आज से हर दिन हर चीज मेरे बड़े बेटे समय की पसंद होगी, जानवी ने भी उसी टोन में राजवीर को जवाब दिया। राजवीर भी अपनी जिद पर आ चुका था, उसने ठान ली थी आज खाना उसकी पसंद का होगा। वहीं जानवी भी अपनी बात पर आ चुकी थी, उसने भी एक ही बात पकड़ ली, आज का खाना समय की पसंद का होगा। राजवीर ये मेरा घर है, जानवी ये मेरा भी घर है, राजवीर आज वही बनेंगे जो मैं चाहूंगा। जानवी नहीं, आज मेरे बेटे की पसंद का खाना बनेंगे। सारे सर्वेंट उनकी लड़ाई देख रहे थे, सिद्धार्थ मयंक भी उनको लड़ते देख हैरान थे, सबसे ज्यादा हैरान सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपने मोमदेव को लड़ते देख अपना सर पकड़ के जोर से चिल्लाया, जस्ट स्टॉप इट, चुप हो जाए आप दोनों, बिल्कुल चुप हो जाए, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? और मोम आपको क्या हो गया है? आप भाई की पसंद की चीजें क्यों बनाने को कह रही हो? वो कहाँ यहाँ आते हैं? और डेड आप क्यों मोम पर चिल्ला रहे हो? अगर उनको भाई की पसंद की चीजें खानी है तो खाने दीजिए, आपके पास कहा पैसों की कमी है? राजवीर उसकी बात सुन जानवी को घूर के बोला, तुम्हें उसके लिए जो बनाना है उसके पास जाके बनाओ, मेरे घर में उसके लिए एक बूंद पानी भी नहीं है जो उस पर वेस्ट करूं। जानवी उसकी बात सुन उसकी आंखें नम हो गई, उसने राजवीर को देख के कहा, जींस घर में मेरे बेटे के लिए एक बूंद पानी की ना हो, उस घर का खाना मेरे लिए हराम है। मैं यहाँ और एक पल भी रुकी तो मुझे बेटे की माँ होने पर मुझे क्षमा आएगी। हाँ तो क्यों रुकी हो? किसने कहा है रुकने को? चली जाओ उसी बेटे के पास जो तुम्हें माँ तक नहीं मानता, राजनीति ने उसे गुस्से में चिल्ला के कहा। जानवी ये सुन बिना कुछ बोले बिना किसी सामान के विला से निकल गई। सिद्धार्थ ये देख जानवी को रोकने उसके पीछे भागा, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो उसे, जब उसका लाडला बेटा धक्के देके उसे निकालेगा तब खुद ब खुद वापिस लौट आएगी। सिद्धार्थ लेकिन डेड मोम, राजवीर उसके कंधे थपथपाके, में तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता हूँ, एक दिन भी ऐसी के बिना सोने की आदत नहीं है उसे, ना ही नर्म बिस्तर बिना उसे नींद आती है, पहले से ऐसो आराम में रही है, ज्यादा देर बाहर रह नहीं पाएगी और खुद लौट आएगी। तुझे क्या लगता है तेरा हैवान भाई इसे अपने पास रखेगा तो नहीं? वो नफरत करता है हमसे। सिद्धार्थ परेशान होके, देर मुझे मोम की फिक्र हो रही है। राजवीर सोफे पर जाके बैठ के बोला, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो रात होने से पहले लौट आएगी। सिद्धार्थ को भी अपने डेट की बात कहीं ना कहीं सही लगी, उसे जानवी की फिक्र तो थी लेकिन उसे पता था उसका भाई उसकी मोम से इतनी नफरत करता है कि वो उसे घर में घुसने देना तो दूर उसे देखेगा भी नहीं, और जानवी वापिस उनके पास लौट आएगी। सिद्धार्थ ये सोच वापिस आके अपने सोफे पर बैठ गया। सारे सर्वेंट एक नजर बाप बेटे को देख, कैसे बाप बेटे है, मालकिन की बिल्कुल परवाह नहीं है, सब वापिस अपने अपने काम पर चले गए। दूसरी ओर हॉस्पिटल, अविरन हॉस्पिटल से निकल अपनी कार को तेज ड्राइव कर रहा था। वो कार चलाते हुए तापसी को कहीं हुई उसकी बातें याद कर रहा था। वो इस वक्त कहां जा रहा था उसे खुद पता नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे हो चुके थे। अविरन के पीछे उसके असिस्टेंट केविन की कार थी। उसे अविरन की फिक्र थी, इसलिए जैसे ही उसे अमेरिका में जो कुछ भी हुआ पता चला वो बिना देर किए अमेरिका आ गया। आते ही वो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने देखा अविरन गुस्से में बाहर निकल रहा था वो उसे रोकता। उसे पहले वो वहां से गाड़ी लेके निकल चुका था, इसलिए केविन भी उसके पीछे निकल गया। एस एम मेनसन समय के रूम में इस वक्त बिल्कुल खामोशी थी। समय अपने रूम में नहीं था, कल रात से दोपहर हो चुकी थी। समय ने तापसी को अभी भी उसी रूम में बंद किया हुआ था, ना ही उसने उसे देखा ना ही वो उस रूम के पास गया।
तापसी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। समय उसे रात से एक बार भी देखने नहीं गया, ना ही उसने एक बार भी उस कुछ खाने को दिया, यहाँ तक पानी भी नहीं दिया। समय इस वक्त अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था। उसके सामने वरुण बैठा हुआ उसे ही घूर रहा था। वरुण सुबह से समय के सामना था, वो बार बार समय से एक ही सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब समय देना तो दूर, उसकी बात तक नहीं सुन रहा था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, वरुण पुंछ पुंछ के थक चुका था। समय एक हाथ में पेपर वेट घुमा के एक हाथ से लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था, उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर थी, फिर भी वरुण की हर बात हर हरकत पर उसकी नजर थी। वरुण उसकी हर हरकत नोटिस कर अपने बाल खींच रहा था। उसे इस वक्त समय पर काफी गुस्सा आ रहा था, समय के इस तरह इग्नोर करने से उसे चीर मची हुई थी। वरुण से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में एक बार फिर से पूछा, समय में तुझसे सुबह से पूछ रहा हूँ, क्यूटी कहा है तूने उसके साथ क्या किया? वो कहा है वो ठीक तो है, तूने उसके साथ क्या किया है? तू उसके बिना यहाँ क्या कर रहा है? मेरा सर फट रहा है भाई, अब तो बता दे, क्यूटी कहा है मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैंने कल से उसे नहीं देखा। समय ने फिर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही लैपटॉप को स्क्रॉल करता रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी चुप्पी देख वरुण इस बार गुस्से में चिल्ला के बोला, समय तू बता रहा है या मैं खुद मेंशन जाके पता करूं? उसके चिल्लाने पर भी समय ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त केबिन के दरवाजे पे नोक कर एक प्यून अंदर आके समय से बोला, बोस मिस्टर ओबेरॉय आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने आपके कहने पर उनको सुबह से वेट कराया, अब क्या करूं? समय बिना सर उठाए अंदर लेके ओ पियून ओके सर बोल वहां से चला गया। वरुण पियून की बात सुन हैरानी से समय को देख, वो यहां क्या कर रहा है और वो सुबह से यहां है और तूने उसे वेट कराया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? समय ने उसकी इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा उसे खुद पूछ लेना। थोड़ी देर में पियून अविरन केविन अंदर लाके छोड़ दिया। वरुण अविरन के आते ही अपनी रोलेट चेयर को घुमा के उनकी ओर पलट के बोला, तुम यहाँ अब क्या चाहिए? तुम्हें क्या करने आए हो? अब तुम्हें यहाँ क्या काम है? उसकी बात सुन अविरन समय को देख बोला, मैं बात गोल गोल नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मिस्टर मल्होत्रा। समय उसकी बात सुन सर टहरा कर बिना इमोशन के उसे देखते हुए बोला, मदद 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 के बदले में मेरा क्या फायदा? अविरन बिना इमोशन के उसके देखते हुए, तुम जो बोलोगे वो दुगा, मेरे भाई को ठीक करने में मदद कर दो। वरुण उन दोनों की बात सुन अपना सर पकड़ के बाल नोच रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था समय अविरन किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने समय की ओर देख बोला, कोया मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? समय इसे अब कौन सी मदद चाहिए? इसके दोनों भाई तो ठीक है, तू इसे छोड़ और मुझे ये बता, मेरी क्यूटी कहाँ है? मैं कब से तुझे पूछ रहा हूँ मेरी क्यूटी कहाँ है? समय उसके मुंह से मेरी क्यूटी सुन समय के हाथों की मुठिया बन गई। इस बार उसने जवाब देके गुस्से में कहा, वो मेरी बटरफ्लाई है। समय ने गुस्से रोबदार आवाज में कहा, उसकी फिक्र करने की किसी को इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं। एक और बार तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन है और ये क्या लगा रखा है। मेरी क्यूटी, मेरी क्यूटी, वो किसी की कुछ है तो वो सिफे में हूँ, वो सिफे मेरी है, उसका हर रिश्ता सिफे मुझसे है। तुम्हारा उसे अगर कोई रिश्ता होगा तो वो होगा भाभी का, लेकिन वो भी तब जब मैं चाहूंगा। समय ने ये सब काफी गुस्से में वरुण की आंखों में आंखें डाल के कहा। समय की गुस्से में लाल आंखें देख वरुण ने पल के लिए डर गया। वरुण समय को इस रूप में देख उसकी बात सुन पूरी तरह सोकत था, उसकी आंखों कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो अपने सामने जिसे देख रहा है वो सच है या सपना। समय ने ये सब काफी गुस्से में वरुण की आंखों में आंखें डाल के कहा। समय की गुस्से में लाल आंखें देख वरुण ने पल के लिए डर गया। वरुण समय को इस रूप में देख उसकी बात सुन पूरी तरह सोकत था, उसकी आंखों कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो अपने सामने जिसे देख रहा है वो सच है या सपना।
समय वरुण को एक नजर घूर वीरन को देखा तो मैं कहा था आह याद आया मदद अगर तुझे अपने भाई के लिए मेरी बटरफ्लाई चाहिए तो उसके बदले में मुझे तू चाहिए। अवीरन उसकी बात का मतलब ना समझ के मतलब समय अपनी चेयर से खड़ा होके पेपर वेट घुमाते हुए टेबल से टैक लगा के उसे देखते हुए बोला आज से तू मेरे लिए काम करेगा, मेरे इंडिया के सारे लीगल इनलीगल बिजनेस तू देखेगा और तुझे क्यों लगता है मैं ऐसा कुछ भी करूँगा, अवीरन ने उसे देख सवाल किया। तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मेरी बात मान या फिर दरवाजा तेरे पीछे है, समय ने दरवाजा की ओर इशारा कर कहा। अवीरन को उसकी बात सुन गुस्सा तो बहुत आया लेकिन इस वक्त उसके पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुठिया बना ली। समय उसके बंद हाथों को देख तिरछी स्माइल कर बोला ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जो फैसला लेना हो जल्दी लो। मेरी बटरफ्लाई मेरे लिए रो रही होगी, मुझे उसके पास भी जाना है। अवीरन उसकी बात सुन अपने हाथों की मुठिया और कसके बंद कर ली। कैलिन अवीरन के कंधे पर हाथ रख सर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अवीरन समय को देख मुझे मंजूर है। समय अपना कोट उठा के बाहर जाते हुए आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाओ। समय इतना बोल वहां से चला गया, उसके पीछे अवीरन के लीन भी वहां से चले गए। अब केबिन में सिर्फ वरुण था, वो अभी भी सोकद में था। वरुण खुद से बदबदाने लगा ना नहीं वो फिर से वो नहीं बन सकता, मुझे कुछ करना होगा। वरुण घबरा के फोन निकाल किसी को कॉल मिलाने लगा लेकिन कितनी बार मिलाने के बाद भी कॉल नहीं लगा। वरुण ने जुजला के फोन जोर से नीचे पटक दिया। उसने गुस्से में अपने बाल खींच के बोला लोगों को अगर फोन उठाना नहीं होता तो लोग फोन रखते क्यों है, यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और उस जनाब का कहीं पता नहीं, यहाँ इतना बड़ा तूफान आया हुआ है और इस आदमी का कुछ पता नहीं, अब मैं क्या करूँ। वरुण ये सब बाद में सोचना, पहले क्यूटी का पता लगा वो कैसी होगी, उसने उसके साथ कुछ किया तो नहीं होगा, इस जानवर का कुछ पता नहीं वो हैवान के रूप में क्या कर दे। वरुण तापसी का सोच अंदर ही अंदर डर रहा था। उसने कॉल किसी और को नहीं राहुल को लगाया था। कल रात से वरुण हॉस्पिटल में था इसलिए मेंसन में क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं था। एस एम मेंसन समय की कार मेंसन के बाहर आके रुकी। एक आदमी भाग कर आके समय की कार का डोर ओपन किया। समय एरोगेंट स्टाइल से कार से उतर बिना आसपास देखे सीधा अंदर चला गया। समय ने जैसे ही हॉल में कदम रखा जानवी फिर से भाग के आके उसे लिफ्ट गई। जानवी के ऐसे लिफ्टने से समय के हाथों की मुठिया बन गई। उसकी लाल आंखें और लाल हो गई, उसके गले हाथों की नशे दिखने लगी। समय अपनी आंखें रोलकर जोर से चिल्लाया राहुला राहुल, जो बड़ी मुश्किल से रात को जानवी को सुलाने के बाद सोया था। समय की ऐसी दहाड़ सुन सोफे से उल्टे मुंह गिरा। समय ने फिर से उसका नाम लिया राहुल, इस बार पहले से भी ज्यादा गुस्से में उसका नाम लिया था। राहुल तुरंत खड़ा होके बिना चंपल पहने कमरे से भागता हुआ नीचे आया। उसने नीचे आके जैसे ही समय को देखा उसकी सांसें गले में ही अटक गई, उसके हाथ पैर सुन हो गए। समय अपने हाथ जेब में डाल गुस्से में खड़ा था। जानवी उसे किसी चविगमा की तरह चिपकी हुई थी। राहुल अपना थूक निगल भाग के समय के पास आके जैसे ही कुछ बोलने को मुंह खोला, समय एक झटके में जानवी को खुद से अलग कर उसे राहुल की ओर धकेल के बोला आज के बाद ये मेरे करीब आई तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। उसकी धमकी सुन राहुल की आवाज ही नहीं निकली। समय बिना जानवी को देखे ऊपर चला गया। राहुल कल से उसे पूछना चाहता था कि उसने रात को ऐसा क्यों कहा कि अपनी अमानत संभाल, वो अभी भी यही पूछने वाला था लेकिन समय की धमकी सुन उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसके दिमाग में अभी भी जानवी को लेके कई सवाल थे जिसका एक भी जवाब उसके पास नहीं था। उसे तो ये भी पता नहीं था जानवी कौन है और उसका उसके साथ क्या रिश्ता है। और समय ने उसे वो बात क्यों बोली, वो कल रात से यही सब सोचते सोचते परेशान हो चुका था। उसका आधा दिमाग जानवी के पागलपन को देख खराब हो चुका था और आधा समय की बात सोचने में
जानवी समय के खुद से अलग करने से फिर से चिल्लाने लगी। राहुल उसके चिल्लाने से होश में आया। जानवी फिर से रात की तरह पागल जैसी हरकतें करने लगी। राहुल उसकी भड़कते देख गुस्से में उसे उठाने वापिस उसी कमरे में लाके पटक दिया और कमरे को बाहर से लोक कर अपने कमरे में चला गया। समय अपने कमरे में आके अपना कोट निकाल सोफे पे फेंक सीक्रेट रूम की ओर चला गया। समय ने जब रूम का लुक अपनी फिंगर से ओपन किया तो उसके सामने का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो गई। समय बिना इधर उधर देखे तापसी को जमीन से गोद में उठा के उस रूम से वापिस अपने रूम आ गया। तापसी इस वक्त बेहोश थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। कल समय ने जैसे उसे छोड़ था आज भी वो वैसे ही थी। ऐसा नहीं था कि उस कमरे में कपड़े नहीं थे। उस कमरे में कपड़ों से लेके वो हर चीज थी जिसकी जरूरत उसे होगी। लेकिन तापसी ने किसी भी चीज को नहीं छुआ। इस वक्त तापसी खून से लटपट थी। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उसके बालों से लेके पैरों तक सब जगह खून लगा हुआ था। समय के उसे गोद में उठाने से समय की सफेद सट भी खून से सन चुकी थी। समय उसे गोद में लिए हुए बाथरूम में चला गया। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। शेयर योर रिव्यूज एंड पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बिना इधर उधर देखे तापसी को जमीन से गोद में उठा के उस रूम से वापिस अपने रूम आ गया। तापसी इस वक्त बेहोश थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। कल समय ने जैसे उसे छोड़ था आज भी वो वैसे ही थी। ऐसा नहीं था कि उस कमरे में कपड़े नहीं थे। उस कमरे में कपड़ों से लेके वो हर चीज थी जिसकी जरूरत उसे होगी। लेकिन तापसी ने किसी भी चीज को नहीं छुआ। इस वक्त तापसी खून से लटपट थी। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उसके बालों से लेके पैरों तक सब जगह खून लगा हुआ था। समय के उसे गोद में उठाने से समय की सफेद सट भी खून से सन चुकी थी। समय उसे गोद में लिए हुए बाथरूम में चला गया। कुछ ही देर में वो उसे बाथरूम में लिफ्ट के बाहर आया और खुद ने नीचे टावल लपेट रखा था। तापसी को उसने साफ कर दिया था। उसके शरीर से सारा खून साफ हो चुका था। तापसी को कहीं भी चोट नहीं लगी थी। फिर वो खून किसका था जो तापसी की पूरी बॉडी पर लगा था, वो तो सिर्फ ऐसे समय ही जानता है। खुद तापसी भी ये बात जानती नहीं होगी। समय उसे आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। वो अभी भी बेहोश थी। समय उसे ब्लेनकेट से कवर कर कब्ज से अपने और उसके कपड़े निकाले। पहले खुद कपड़े चेंज किए, फिर उसे कपड़े पहनाए। तापसी का मासूम सा चेहरा डर से पिला पर चुका था। उसके होंठ हिल रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदे आ रही थी। जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। तापसी बेहोशी की हालत में भी समय का नाम पुकार रही थी। डेविड, डेविड। जिसे सुन समय के चेहरे पर काटिलाना मुस्कुराहट आ गई। समय इस वक्त सिर्फ पैंट में था। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसकी अपर बॉडी ओपन थी। उसके बाल अभी भी गीले थे जिसे वो काफी हॉट लग रहा था। उसका चौड़ा सीना मस्कुलर बॉडी एट एप्स उसे और भी हॉट बना रहे थे। तापसी बेहोशी में डेविड, डेविड मुझे निकालो। उसे बेहोशी में अपना नाम लेता देख समय के चेहरे की स्माइल और बरी हो गई। वो उसके साइड में जाके लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तापसी का पूरा शरीर डर से अभी भी कांप रहा था। समय उसके गीले बालों से आते भीनी भीनी स्मेल को स्मेल कर उसकी पीठ को सहला के उसके हिलते होठों पर उंगली फिरा के बोला, आज के बाद तुम मुझसे दूर जाने के ख्याल से भी डरोगी बटरफ्लाई। इस डर का एहसास तुम्हें पूरी जिंदगी याद दिलाएगा कि तुम किसकी हो। मैं जानता हूँ तुम कल से डरी हुई हो, लेकिन ये सजा देना जरूरी था वरना मेरी बटरफ्लाई बिगड़ जाती जो मैं कभी होने नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता मेरी बटरफ्लाई दर में भी किसी और का नाम ले, किसी और की बाहों में जाए जो गलती तुमने अनजाने
मेकी है में वो दोबारा होने की नौबत ही नहीं आने दे सकता। तुम्हारी खुशी दर्द सब कुछ सिफ़े मुझसे जुड़ा होगा, तुम्हारी दुनिया सिफ़े मुझसे शुरू मुझ पर खत्म होगी। उसी वक्त तापसी जोर से चिख पड़ी, आ प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे कुछ मत करना, कोया मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज मुझे निकालो, डे डेविड प्लीज मुझे निकालो, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं आज के बाद आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तापसी होश में आते ही जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, उसकी आंखों में डर खौफ साफ नजर आ रहा था। तापसी होश में तो आ चुकी थी लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अभी तक आंखें नहीं खोली। वो बिना आंखें खोले जोर जोर से चीला रही थी, समय उसे इस तरह देख बिना कुछ बोले अपनी बाहों में समेट लिया और उसे सांट कराते हुए बोला, शशह है बच्चा, सांट हो जाओ, तुम बाहर हो और अपने डेविड के पास हो, सांट हो जाओ। तापसी के कानों में जैसे ही समय की आवाज गई उसने जट से आंखें खोल दी, अपने सामने समय का चेहरा देख वो बिना कुछ बोले उसके सीने से लिपट गई। समय ने भी उसे कसके अपने सीने से लगा लिया। तापसी उसके सीने से लग रो रही थी, वो बार बार समय से एक बात बोल रही थी, प्लीज मुझे वहां बंद मत करना, प्लीज मुझे वहां बंद मत करना, मैं दोबारा कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे वहां बंद मत करना। उसकी बात सुन समय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। समय ने फिर कुछ नहीं कहा, तापसी को रोने दिया जब तक वो रोना चाहती थी। तापसी उसके सीने से लिप्त देर तक रोती रही, थोड़ी देर में उसका रोना अपने आप बंद हो गया, वो उसके सीने पर सर रख आंखें बंद कर बेदी रही। समय ने भी अपना सर पीछे बेड से टिका के आंखें बंद कर ली, तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजा। समय फोन की रिंग सुन एक हाथ से तापसी को होल्ड कर दूसरे हाथ से फोन उठाया, उधर से वरुण की आवाज आई, तू कहा है यहाँ, उसकी हालत बिगड़ रही है, उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा, तू अपनी बटरफ्लाई को लेके जल्दी आ जा, वरुण ने अपनी बटरफ्लाई पर जोर दे के कहा। जिसे सुन समय के चेहरे पर काटिलाना स्माइल आ गई, उसने कोल्ड वॉइस में कहा, 15 मिनट में आ रहा हूँ, उसने इतना बोल फोन काट दिया। तापसी ने वरुण की बात सुन ली थी, उसने अपना चेहरा समय के सीने से बाहर निकाल उसे देखते हुए बोली, डेविड किसकी हालत बिगड़ रही है, उसने ये बात काफी मासूमियत से पूछी थी। जींस पर समय के चेहरे एक प्रेजेंट पहले की तरह कोल्ड हो गए। समय उसे खुद से अलग कर बेड से खड़ा होके बोला, चलो बटरफ्लाई हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है डेविड, तापसी ने समय को देखते हुए मासूमियत से पूछा। वहां जाके खुद देख लेना, समय ने अपनी शर्ट पहनते हुए जवाब दिया। तापसी पहले से तैयार थी, सिफे बाल बनाने थे जो समय ही बनाने वाला था। अब ऐसा तो क्या राज है उस कमरे का जिसे तापसी बेहोश हो गई, और ऐसा तो समय ने वहां क्या देखा जिसे उसकी आंखें छोटी हो गई, और जानवी का राहुल से क्या रिश्ता है, ये सारे सवालों को जवाब आपको आगे पता चलेगे। समय तापसी को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में व्योम की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, उसकी सांसें धीरे धीरे स्लो हो रही थी, डॉक्टर की पूरी टीम उसे देख रही थी। अविरन अव्योम बाहर से अपने भाई की हालत देख रहे थे, अव्योम का रो रो के हाल बुरा हो चुका था। अविरन इस बार खुद को संभालने के साथ अव्योम को भी संभाल रहा था, वो नहीं चाहता था जो गलती उसने व्योम के साथ की वो फिर से करे। वरुण दोनों के पीछे हाथ बांधे देख रहा था, उसे भी व्योम की फिक्र थी लेकिन उसे ज्यादा उसे तापसी की फिक्र थी। उसने समय में जो देखा उसे देख उसकी फिक्र और बढ़ गई। समय की कार हॉस्पिटल पहुंच गई, कार में तापसी समय के सीने से बंदर के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। समय का एक हाथ उसकी कमर पकड़ था तो दूसरे हाथ से फोन चला रहा था। समय के ड्राइवर ने कार रोक के समय के साइड का डोर ओपन किया, समय फोन जेब में रख तापसी को गोद में लेके बाहर निकला। समय के गार्डोस ने उसे दोनों ओर से घेर लिया। हॉस्पिटल में आते जाते लोग समय को देख अपना सर झुका के साइड में खड़े हो गए। सबको समय कौन है, उसकी पावर क्या है सब जानते हैं, पूरे अमेरिका को पता है समय मल्होत्रा कौन है। तापसी सबको एक नजर देख घबरा के बोली, मैं खुद चल सकती हूँ, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, सब हमें घूर रहे हैं।
समय उसे और कसके पकड़ बोला, तुम्हें किसी ने पूछा है नहीं क्या तुम चल सकती हो या नहीं, तुम कब चलोगी, कितना चलोगी वो तय मैं करूँगा और अभी तुम नहीं चलोगी। लेकिन सब हमें घूर रहे हैं, तापसी ने क्यूट सा फेस बना के कहा। समय लिफ्ट की ओर जाते हुए बोला, मुझे किसी से फर्क पड़ता है। समय की बात सुन तापसी अपनी झीलसी आंखों से उसे देखने लगी। समय उसे लेके थर्ड फ्लोर पर आ गया जहां व्योम का वोध था। वहां पर वरुण के साथ कुछ समय के आदमी भी थे, साथ अविरन अश्योम के वीन थे। जब सबने कदमों की आवाज सुनी सबकी नजरें सामने चली गई जहां से समय तापसी आ रहे थे। समय तापसी को बाहों में लेके आ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वहीं तापसी के चेहरा अब थोड़ा नॉर्मल था। समय की मौजूदगी के एहसास से वो नॉर्मल थी। वरुण तापसी को सही सलामत देख नॉर्मल हुआ। उसके चेहरे पर जो परेशानी की लकीरें थी वो थोड़ी कम हुई। वो तुरंत तापसी की ओर जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके कदम वहीं रुक गए। उसके सामने समय का ऑफिस वाला चेहरा आ गया। उसे याद कर उसके कदम आगे ही नहीं बढ़े। समय तापसी को वोध के पास लाके नीचे उतारा, लेकिन उसे दूर नहीं हुआ। अव्योम ने बिना किसी की परवाह किए तापसी के गले से लग गया। उसने तापसी को टाइट पकड़ते हुए कहा, बेबी गर्ल तुम कहा थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कहा थी इतनी देर से क्यों आई। उसके इस तरह गले लगने से तापसी पहले ही हैरान थी और उसकी बातों से वो कंफ्यूज भी हो गई। पास खड़े समय के हाथों की मुट्ठी या चुकी थी, उसकी आंखों में मानो खून उतर आया। अविरन अपने भाई को देख कुछ नहीं बोल पाया, ना ही उसने अव्योम को तापसी से अलग करने की कोई कोशिश की। उसे पता था उसके भाई की इस हरकत पर समय बहुत गुस्से में है, लेकिन उसे इस वक्त समय के गुस्से से नाराज होने से ज्यादा अपने दोनों भाई की हेल्थ की फिक्र थी। अगर तापसी की करीबी से उसके भाई ठीक होते हैं तो उसे सब मंजूर था। तापसी ने अव्योम को हकबेक नहीं किया, वो ऐसी ही खड़ी होके बोली, तुम रो क्यों रहे हो और तुम सब हॉस्पिटल में क्यों हो। अव्योम उसकी मीठी सी आवाज सुन उसे अलग होके जैसे ही कुछ बोलने वाला था। समय ने तापसी को तुरंत अपनी बाहों में लेके बोला, बच्चा हम हॉस्पिटल में इसलिए आए हैं क्योंकि इनका छोटा भाई इनसे नाराज हो गया है, वो इनकी बात नहीं सुन रहा, इसलिए इनके बड़े भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं तुम्हें यहाँ लाओ और तुम जाके उसे बात करो। तापसी समय की बात सुन सबकी ओर एक नजर देख अविरन की ओर देख के बोली, भी गुस्सा क्यों है आपने फिर से वी को दाता। अविरन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तापसी की मासूमत उसकी बातों में उसकी आंखों में देख अविरन की नजरें झुक गई। इस वक्त अविरन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने इस मासूम सी लड़की को इतना भला बुरा कहा और ये अभी भी उसे इतने प्यार से बात कर रही है। अव्योम तापसी का हाथ पकड़ उसे खींच के व्योम के पास ले गया। अविरन भी उनके पीछे वोध में चला गया। समय अपनी बाहों से तापसी को दूर जाता देख गुस्से में अपनी गदन पर हाथ फिराने लगा और खुद से कहने लगा, रिलैक्स समय, रिलैक्स, वो तेरी है और तेरी ही रहेगी, रिलैक्स। ये सब बोलते वक्त वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। अव्योम का बार बार तापसी को छूना उसके अंदर की आग में पेट्रोल का काम कर रहा था। वरुण समय को इस तरह देख गहरी सांस लेके उसके पास आके बोला, सिफ़े थोड़ी देर अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, तेरी बटरफ्लाई सिफ़े तेरी है, वो किसी की नहीं हो सकती और मैं होने भी नहीं दूंगा। समय ने लाल आंखों से वोध को देखते हुए कहा। समय भी वोध में चला गया। वरुण लंबी सांस लेके उसके पीछे चला गया। वोध में चार डॉक्टर व्योम को चेक कर रहे थे। व्योम के आसपास काफी मशीनें थी जिसमें से बीप बीप की आवाज आ रही थी। व्योम के सीने पर हाथ में वायरस लगे हुए थे। तापसी व्योम को इस तरह देख अपनी गदन कभी राइट करती कभी लेफ्ट, वो अपने सामने क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश रही थी। अव्योम ने अभी भी तापसी का हाथ पकड़ा हुआ था जिस पर किसी की लाल नजरें बनी हुई थी। तापसी अव्योम का हाथ छोड़ व्योम के बेड के पास जाके समय से बोली, डेविड ये सब क्या है, तुमने तो कहा भी गुस्सा है, फिर उसे यहाँ क्यों ले आया है। समय जिसका ध्यान अव्योम पर था तापसी की आवाज सुन उसे देख के बोला, बच्चा तुम उसे खुद पूछ लो वो ऐसे क्यों लेता हुआ है।
तापसी व्योम के गाल पर उंगली टच कर उसका नाम पुकारा वी। तापसी व्योम को भी बुलाती थी। तापसी व्योम का हाथ छोड़ व्योम के बेड के पास जाके समय से बोली, डेविड ये सब क्या है, तुमने तो कहा वी। गुस्सा है फिर उसे यहाँ क्यों लेताया है। समय जिसका ध्यान व्योम पर था, तापसी की आवाज सुन उसे देख के बोला, बच्चा तुम उसे खुद पूछ लो वो ऐसे क्यों लेता हुआ है। तापसी व्योम के गाल पर उंगली टच कर उसका नाम पुकारा वी। तापसी व्योम को भी बुलाती थी। व्योम ने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तापसी ने फिर से उसका नाम पुकारा। व्योम इस बार उसने उसका पूरा नाम लिया। व्योम ने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तापसी उसके पास बैठके उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रख के बोली, वी तुम मुझसे भी गुस्सा हो, लेकिन क्यूटी ने तो कुछ नहीं किया, फिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। कहीं तुम इसलिए तो गुस्सा नहीं हो क्योंकि क्यूटी लेट आई। व्योम अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तापसी व्योम को फिर भी कुछ ना बोलता देख वो व्योम अविरन को देखने लगी। उसने अविरन को देख हल्के गुस्से में कहा, आप गंदे हो, आपने वी को क्यों दाता, देखो वो कितना गुस्सा है, वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा। आपको सिफे वी को अभी को दांत ना आता है, आपको उनको प्यार करना नहीं आता। आप बड़े लोग, हम छोटों को हर बात पर डांटते क्यों हो, हम तो कभी आपको नहीं डांटते, फिर आप लोग हमें क्यों डांटते हो, आप सब बड़े गंदे होते हो। जब हम गलती करते हैं तब पनिश्ड करते हो, जब गलती नहीं करते तब भी पनिश्ड करते हो। हम मासूम बच्चों की क्या गलती है, हम तो बच्चे हैं, थोड़ी मस्ती तो करेंगे, आपको भी बड़ा होके हमें माफ करना चाहिए। तापसी ये बात अविरन समय दोनों को देख बोल रही थी। उसकी बात सुन समय की आंखें छोटी हो गई। अविरन उसकी मासूमियत पर बिल्कुल खामोश हो चुका था। उसके चेहरे पर काफी देर बाद एक छोटी सी स्माइल आई थी। उसकी जिंदगी में पहली लड़की थी जिसने उसे इस तरह बात की होगी, वरना आज तक सब उसके नाम से भी डरते थे। जितना पावर समय के पास है उसे थोड़ा कम ही सही। इंडिया में अविरन का पावर है समय, अगर कसिनो अंडरवर्ल्ड किंग है तो अविरन भी माफिया का किंग है। समय का गुस्सा तापसी की मासूमियत पर थोड़ा कम होने लगा। उसे अपनी बटरफ्लाई की बातें सुन उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो अपनी बटरफ्लाई को कहीं छुपा दे जहां कोई उसे ना देख सके सिवाय उसके। उसकी बटरफ्लाई पर सिर्फ उसका हक है और किसी का नहीं। तापसी की इतनी प्यारी आवाज सुन पास खड़े डॉक्टर भी उसकी मासूमियत के दिलाने हो गए। दो डॉक्टर को पता था यहाँ खड़े आदमी कितने खतरनाक है, इसलिए उन दोनों ने तापसी को देखने की अपना सर उठाने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन दूसरे को समय के बारे में पता नहीं था, इसलिए दोनों के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। दोनों में से एक ने कहा, कितनी मीठी सी आवाज है, देसे कोई शहद। दूसरे ने कहा, हा यार इसकी आवाज ने दिल में चाशनी सी घोल दी। इसकी आवाज जितनी मीठी है उसे ज्यादा ये मीठी लगती है, पहले वाले ने अपने होठों पर जीभ फेर के कहा। दूसरे वाले ने उसकी बात में सर हिला के कहा, बिल्कुल सही कहा, इसकी आंखें देख कितनी सुंदर है, देसे गहरा नीला समुद्र। दोनों ने ये बातें काफी जोर से कर रहे थे जो समय वरुण अविरन अव्योम केलीन सबने सुन ली। दोनों डॉक्टर की आवाज सुन बाकी दोनों डॉक्टर उसे दूर हो के खड़े हो गए। उनको पता अब आगे क्या होगा। वहां मौजूद सारे आदमी की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। इन बात से अनजान दोनों डॉक्टर तापसी को ही घुने में लगे थे। तभी कमरे में गोलियां चलने आवाज आए। आवाज एक गोली की नहीं, एक साथ कई गोलियों की थी। आवाज सुन तापसी दर से चिकपड़ी। उसने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। तापसी इतनी जोर से चिल्लाई कि कमरे में गोलियों की आवाज के साथ उसकी चिख भी सुना दी। समय ने उसकी चिख सुन बिना देर किए लंबे कदम लेके उसके पास जाके उसे बाहों में भर लिया। तापसी भी उसके सीने से लग उसकी सट को कसके मुट्ठी में भर लिया। वो दर बुरी तरह कांपने लगी। गोलियों की आवाज अभी भी चल रही थी। तापसी इस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि उसने समय को और कसके पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। समय के एक हाथ से तापसी को पकड़ दूसरे हाथ से गन चला रहा था। उसके अलावा वरुण अविरन अव्योम यहाँ तक कैलिन ने भी गन निकाल ली थी। सब एक साथ दोनों डॉक्टर के पैरों में गन चला रहे थे क्योंकि समय ने पहली गोली चलाने के साथ ही कहा था कि
इनकी मौत इतनी आसान नहीं होगी, इसलिए अवीरन वरुण अव्योम के लिंगन उन दोनों के हाथ पैरों में चला रहे थे। कमरे में गोलियों की आवाज के साथ दोनों डॉक्टर की दर्दनाक चीखें भी गूंजने लगी। बाकी दोनों डॉक्टर का हाल भी काफी बुरा था, दोनों दर से थर थर काँप रहे थे। समय गोली चलना रोक, सबको रुकने का इशारा किया, सबने भी अपनी गन रोक ली। दोनों आदमी की हालत अधमरी हो चुकी थी, दोनों अब तक बेहोश हो चुके थे, उनके खून से पूरा फसे लाल हो चुका था। तापसी अभी भी समय के सिने से चिपकी हुई थी। समय ने अपनी गन पीछे रख तापसी को दोनों हाथों से बाहों में भर लिया और उसकी पीठ से हिलाने लगा। वरुण साइड में खड़े दोनों डॉक्टर को देख, इनको होश में लाओ वरना तुम दोनों की हालत भी इनके जैसी कर दूंगा। डॉक्टर दोनों उसकी धमकी सुन डर गए, दोनों बिना वक्त गवाए उन दोनों का इलाज करने लगे। अवीरन अपनी गन पीछे रख समय की ओर देख बोला, इन दोनों को आसान मौत मत देना। ठीक तभी किसी की आवाज आई, बेबी गर्ल क्या हुआ, तुम रुक क्यों रही हो और यहाँ इतना शोर क्यों है। आवाज सुन सब एक पल के लिए सोकत हो गए, सबकी नजरें बेड पर चली गई। अव्योम सोकत होके भी, अवीरन मेरा भाई। व्योम अपनी आंखें मलते हुए बेड पर बैठा हुआ था, वो अपने शरीर पर लगी मशीन निकाल रहा था। उसने मशीनों में लगी वायर निकाल के बोला, ये सब क्या है, मुझे ये सब क्यों लगाया और मैं कहा हूँ। व्योम एक नजर कमरे को देख सबको घूरने लगा। तापसी व्योम की आवाज सुन समय से अलग होके उसे देखने लगी। व्योम की नजर जब तापसी पर गई तो उसने बेड से हाथ लंबा के तापसी का हाथ पकड़ उसे खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से तापसी सीधा उसकी गोद में जा गिरी और व्योम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने ये सब इतनी फास्ट किया कि तापसी क्या वहां खड़ा हर इंसान सोकत था। उसकी इस हरकत को देख समय के हाथों की मुठिया फिर से बन गई, उसे फिर से गुस्सा आने लगा। वरुण व्योम की हरकत देख उसे बुरी तरह घूर के खुद से बोला, इस दोनों भाई को जीना नहीं है इसलिए बार बार शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। व्योम तापसी को कसके कदल करके बोला, बेबी गर्ल तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, दिखाओ। व्योम तापसी को गोद में लिए हुए ही उसे चेक करने लगा, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी थी। तापसी के दोनों हाथ में पति देख व्योम परेशान होके बोला, दर्द हो रहा है बेबी गर्ल को, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा। व्योम इतना बोल उसकी चोट पर बारी बारी किस कर दिया। उसे किस करता देख समय का गुस्सा जवाब दे गया, उसने बिना सोचे समझे एक झटके में तापसी को उसकी गोद से खींच अपनी बाहों में उठा लिया। समय के इस तरह तापसी को खींचने से व्योम की आंखें छोटी हो गई। व्योम कुछ बोलता उसे पहले अवीरन अव्योम ने आके उसे गले से लगा लिया। अवीरन उसे सीने से लगा के बोला, मेरा बच्चा, मेरा भी, मेरी जान। अव्योम व्योम के माथे को चुमके बोला, आज के बाद कभी ऐसा मत करना वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। अवीरन आज के बाद कभी अपने भाई को छोड़ के मत जाना, मैं तुम दोनों की हर बात मानूंगा, तुम जो बोलोगे मैं सब करूंगा। व्योम अपने दोनों भाई बातें सुन कंफ्यूज होके दोनों को खुद से अलग कर कर चिरके बोला, अरे मुझे छोड़ो, क्या बच्चे की जान लोगे, और ये किसी विसी मत करो मुझे, मैं कोई लड़की नहीं हूँ और ना ही मैं बच्चा हूँ। व्योम ने मुंह फुला के कहा, मैं तो तुझे एक नहीं 10 बार किसी करूँगा। व्योम ने व्योम के चेहरा पकड़ पूरे चेहरे पर किस की बारिश करके कहा। व्योम उसके किस करने से और चीर गया, उसने अपना चेहरा छुरा के अपने दोनों गालों को साफ करते हुए बोला, अभी भाई इसे बोलो मुझे किसी ना करे वरना मैं इसे गंजा कर दूंगा। मैं कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो ये मुझे किसिया कर रहा है। दूसरी ओर समय तापसी को लेके जाके सोफे पर बैठ गया। वरुण ने फट से नई पट्टी और दवाई लाके उसके सामने रखी। वरुण को पता था समय अब क्या करेगा। तापसी समय की गोद में दरी सहमी बेदी रही, वो समय की लाल आंखें देख डर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि समय उसे फिर से उस कमरे में जाके बंद ना कर दे। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू उसकी आंखों से गालों पर कब आ गए उसे पता भी नहीं चला। समय के हाथों पर जब तापसी के आंसू की बूंद गिरी, समय के हाथ उसके हाथ की पट्टी बदलते बदलते रुक गए। समय ने तापसी का चेहरा उठा के देखा जो रोने से पूरा गीला हो चुका था, उसके गालों पर आंसू के निशान बन चुके
थे। उसकी छोटी सी नाक लाल हो चुकी थी जो इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। समय उसकी भीगी हुई आंखों पर बारी बारी चुमके बोला, क्या हुआ मेरी बटरफ्लाई को दर्द हो रहा है? तापसी बीना बोले, मासवत में ना में सर हिलाने लगी। समय जेब से रुमाल निकाल उसके गालों को साफ करके बोला, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तापसी सर झुका के मासवत से बोली, आप फिर से मुझे पनिश्ड करोगे? मैंने उनको नहीं छुआ, उन्होंने मुझे छुआ, मैंने कुछ नहीं किया। समय उसकी बात सुन समझ गया कि उसकी बटरफ्लाई क्यों रो रही है। समय ने उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया। तापसी भी उसके सीने से लग रोते हुए बोली, प्लीज मुझे वहां बंद मत करना, क्यूटी को वहां डर लगता है, प्लीज क्यूटी को वहां बंद मत करना। समय उसकी बात सुन उसके सर को प्यार से सहला के बोला, नहीं मेरा बच्चा, इस बार गलती आपकी नहीं है, इसलिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इस बार गलती जिसकी है उसे। समय बोलते बोलते रुक गया, वो नहीं चाहता था आगे की बात सुन उसकी बटरफ्लाई उसे और डरने लगे। समय ने तापसी को बेहद प्यार से समझाया, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो, और वो थी भी उसकी छोटी बच्ची तापसी। समय की बात सुन चुप हो गई वो, वैसे ही समय के सीने से चिपक कर बेदी रही। समय ने उसकी दोनों हाथ की पट्टी बदल दूसरी पट्टी कर दी। सामने तीनों भाई का मिलन भी हो गया। समय तीनों को देख अविरन से बोला, अब अगर भरत मिलाप हो गया हो तो चले, काम बहुत है और समय कम। अविरन ने जैसे ही समय की आवाज सुनी उसके हाथों की मुठिया कस गई। उसने समय को देख दांत पीस के बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मेरे भाई अभी अभी ठीक हुए है। व्योम समय की बात सुन कंफ्यूज होके उसे तापसी को गोद में लिए हुए देख अविरन से बोला, भाई ये कौन है और बेबी गर्ल उसकी गोद में क्यों है? जीन्स पर समय ने तापसी को और कसके बाहों में भर के कहा, क्योंकि तुम्हारी बेबी गर्ल मेरी होने वाली वाइफ है और मैं उसका हबी। व्योम उसकी बात पर सोकद होके समय को ऊपर से नीचे देख के बोला, क्या तुम मेरी बेबी गर्ल से शादी करोगे? क्यों, मैं अपनी बटरफ्लाई से शादी क्यों नहीं कर सकता? समय ने उसे घूर के पूछा। व्योम ने भी उसे उसी तरह घूर के कहा, क्योंकि बेबी गर्ल से शादी मेरा बड़ा भाई करेगा। व्योम ने जैसे ही ये बात कही, समय से पहले अविरन अपने भाई को गुस्से में देखने लगा। यहाँ उसके कारण उसे समय का गुलाम बनना पड़ा है और इसे शादी की परी है। व्योम की बात में हामी भर के व्योम ने कहा, हावी बिल्कुल सही बोल रहा है, बेबी गर्ल मेरे भाई की वाइफ बनेगी, तुम्हारी नहीं। व्योम ने जैसे ही ये बात कही, समय से पहले अविरन अपने भाई को गुस्से में देखने लगा। यहाँ उसके कारण उसे समय का गुलाम बनना पड़ा है और इसे शादी की परी है। व्योम की बात में हामी भर के व्योम ने कहा, हावी बिल्कुल सही बोल रहा है, बेबी गर्ल मेरे भाई की वाइफ बनेगी, तुम्हारी नहीं। वरुण दोनों भाई की बातें सुन उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मन ही मन वो उन दोनों के लिए भगवान से प्रे करने लगा, हे भगवान इन दोनों को डेविड के गुस्से की आग से बचाना, ये दोनों अभी बच्चे हैं, वो उसका गुस्सा झेल नहीं पाएंगे। वरुण की बात सच भी थी, समय का गुस्सा खुद वरुण नहीं झेल सकता था, उसका दोस्त होने के बावजूद तो फिर ये दोनों क्या झेलते। अभी तो किसी ने समय मल्होत्रा का वो रूप नहीं देखा जिसे दुनिया इगल के नाम से जानती है। अभी का समय जितना डेंजरस है उसे कहीं ज्यादा डेंजरस उसका वो रूप है जिसकी झलक वरुण ने ऑफिस में और तापसी ने विला में देखी थी। अव्योम व्योम की बात सुन समय की आंखों में आग जलने लगी, उसकी आंखों मानो अंगारे दहकने लगे। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था मानो उसका बस चले तो अभी इसी वक्त अव्योम व्योम को जान से मार दे। वोट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। समय के पास खड़ा वरुण समय को बिना देखे उसे दो कदम दूर हो गया। समय का ओरा डार्क हो चुका था। तापसी को भी समय के गुस्से का एहसास होने लगा था, वो भी इस वक्त काफी डरी हुई थी। उसने समय को और कसके पकड़ लिया। अविरन को अपने दोनों भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, दोनों बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे थे। वो पहले ही उन दोनों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था, अब इन दोनों की बेवकूफी से वो और फंसना नहीं चाहता। उसने गुस्से में दोनों को घूर के बोला, बस बहुत हुआ, तुम दोनों का कौन किसे शादी करेगा कौन नहीं उसका फैसला वो लोग करेंगे, जिसे शादी करनी है तुम दोनों इस पर बात नहीं करोगे। व्योम लेकिन भाई,
अविरन ने हाथ दिखा के उसकी बात बीच में काट के मैंने कहा ना भी इस पर बात नहीं होगी। अव्योम लेकिन भाई क्यों आपको पता है बेबी गर्ल हमें बहुत पसंद है लेकिन हम उसे एक छोटी बहन की तरह देखते है। हम उसे आपकी वाइफ बना के हमारी भाभी बनाना चाहते है जिसे वो हमारे साथ रहे हमेशा रहे। अविरन अपने भाई की बात सुन अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला उसके लिए उसकी शादी मुझसे होना जरूरी नहीं होता। अगर तुम दोनों ने उसे बहन माना है तो वो वैसे भी तुम दोनों की बहन रहेगी। समय का गुस्सा अव्योम के मुंह से बहन सुन थोड़ा कम हुआ लेकिन वो गुस्सा फिर भी था। उसे अभी भी अव्योम की बात पर गुस्सा आ रहा था। दोनों उसकी बटरफ्लाई की शादी किसी और के साथ कराने की बात कर रहे हैं, वो भी उसके सामने। समय जैसे ही कुछ बोलने वाला था तापसी की मीठी सी आवाज उसके कानों पर पड़ी जिसने अव्योम से कहा मैं सिर्फ डेविड की हूँ और उसे ही शादी करूंगी, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। समय के कानों में जैसे ही तापसी की आवाज गई उसका गुस्सा काफी हद तक कम हो गया। तापसी का सबके सामने ये कहना कि वो उसे शादी करेगी समय के गुस्से पर देसे पानी का काम किया था। समय तापसी को गोद लिए हुए खड़ा होके अविरन से बोला अपने भाई को घर भेज के ऑफिस आ जाओ, जरूरी दिल पर बात करनी है। अविरन उसकी बात पर एक नजर अपने दोनों भाई को देख बोला इन दोनों को तुम अपने पास रख सकते हो, क्यों तुम्हारे पास अपना घर नहीं है या फिर पैसों की कमी है, वरुण ने उसे घूर के पूछा। जींस पर अविरन ने कहा घर तो है और पैसों की भी कोई कमी नहीं है लेकिन तुम्हारे बॉस के साथ काम करने में मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा जिसे मैं अपने भाई को संभाल सकूं और तुमने तो देख ही लिया है ये दोनों बच्चे हैं, मैं अगर इनको एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ू तो ये खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। वरुण को उसकी बात सही लगी, उसने खुद देखा है अव्योम कैसे है लेकिन दोनों को मेंशन में रहने देना या नहीं उसका फैसला तो समय का होगा लेकिन किसे समय तापसी के पास उसके सगे भाई तक को आने नहीं देता तो फिर इन दोनों को कैसे आने देगा। वरुण यही सब सोच समय को देखने लगा। समय तापसी को लेके बाहर जाते हुए बिना इमोशन के बोला वरुण इन दोनों को मेंशन ले जाओ और मिस्टर ओबेरॉय तुम ऑफिस पहुंचो, मैं थोड़ी देर में तुमसे वही मिलूंगा। समय तापसी को लेके मेंशन के लिए निकल गया। वरुण व्योम को डिस्चार्ज कर व्योम के साथ उनके पीछे निकल गया। अविरन समय के ऑफिस चला गया जहां समय का असिस्टेंट मिहिर उसका इंतजार कर रहा था। मिहिर को अविरन को कुछ चीजों की फाइल देनी थी और समय ने जो काम बताया था वो अविरन को समझाना था। अविरन थोड़ी देर में समय के ऑफिस के गेट पर पहुंचा। जींस पर बड़े अक्षरों में ड्रैगन लिखा हुआ था। अविरन ऑफिस का नाम देख अपने भाव ही चेहरे से नाम को घुने के मन में बोला जैसा आदमी वैसा नाम। मिहिर ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अविरन की गाड़ी चार चेकिंग से क्रॉस कर अंदर आई। ड्रैगन के अंदर जाने से पहले किसी को भी पांच गेट क्रॉस करने पड़ते थे। समय ने ड्रैगन एम्पायर को इस तरह बनाया था कि कोई भी दुश्मन चाहे पूरी आर्मी लेके आ जाए वो उसके ड्रैगन के दो गेट भी पार नहीं कर सकता था। ड्रैगन के फर्स्ट गेट पर 400 गादोस का 2027 लेके खड़े थे, दूसरे गेट पर 600 गादोस हार्टटेक मिसाइल के साथ तैनात थे, तीसरे और चौथे गेट पर कुछ खास चीजें थी। समय का ये ऑफिस उसका मेन ब्रांच है जहां से वो अपने बाकी बिजनेस पर काम करता है। ऐसे तो समय के कहीं ऑफिस है लेकिन ज्यादातर वो ड्रैगन में ही रहता है, यहाँ से वो बाकी ऑफिस का काम देखता है। तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।